माइग्रेन like, एक ऐसा एक मुहिम है जो कभी भी हल नहीं हुआ मोर देन सेवेंटी परसेंट जो माइग्रेन की कॉजेज है वो किसी को मालूम नहीं okay, जब तो, कॉज ही मालूम नहीं तो ट्रीटमेंट क्या करेंगे uh. आखिर में आ गई माइग्रेन जो मोस्टली फोर टाइम्स टू सिक्स टाइम्स मोर इन फीमेल्स अब जैसे किसी को इस जगह पे सेंटर में हेडेक होती है यूं जैसे पट्टी बांधी होती है ठीक है, है. सर माइग्रेन के बारे में थोड़ा सा बताइए इसकी पहले तो थोड़ी सारा टाइप बता दीजिए क्योंकि ये भी आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गया पहले तो कभी सुनते ही नहीं थे आधे सर की दर्द अब भी तो हर दूसरा बंदा इसकी शिकायत कर रहा है इसकी एक तो थोड़ा सा टाइप बता दीजिए कितनी होती है और ये इसकी मेन कॉज क्या है अच्छा माइग्रेन एक ऐसा एक मुहिम हल नहीं हुआ याद रखिए ठीक है मोर देन जो माइग्रेन की कॉजेज है वो किसी को मालूम नहीं है ओके जब कॉज ही मालूम नहीं तो ट्रीटमेंट क्या करेंगे उसको ठीक है लेकिन ये अनट्रीटेबल तो नहीं छोड़ सकते जी ट्रीटमेंट तो करना है अच्छा होता ये है कि इसकी पहले माइग्रेन को पहचानना जरूरी है ठीक है अब जैसे किसी को इस जगह पे सेंटर में हेडेक होती है यूं जैसे पट्टी बांधी होती है ठीक है, है, है। ये ये टेंशन हेडेक है है माइग्रेन नहीं इस तरह कई मर्दों को खास तौर के ऊपर इस आंख के पीछे दर्द होती है जी, जी। जी। वो पीछे जाती है स्ट्रेस उसको क्लस्टर हेडेक है कहते हैं ये और चीज है इसी तरह कईयों को स्ट्रेस हेडेक्स होती है वो और चीज है फिर आखिर में आ गई माइग्रेन जो मोस्टली फोर टाइम्स टू सिक्स टाइम्स मोर इन फीमेल्स ध्यान फीमेल बिल्कुल है अब हमने माइग्रेन डाइग्नोज कर लिया अब हमने मुख्तार दवाइयां देनी शुरू कर दी अल्टीमेटली किसी दवाई का असर ना हुआ मैं बाकी किसी ट्रीटमेंट की तो बात नहीं कर सकता मैं मैं हूँ टू जी, जी, का कॉम्बिनेशन है जो सिर्फ ऑक्सीजन की डिफाइन या वेल well, समझे कोई प्योरेस्ट फॉर्म है सो so, एक ऑक्सीजन लगाने से किसी को नुकसान नहीं हो सकता की, अमेरिका से बाकी ट्रेनिंग मेरी सारी यूरोप के मुखलिफ हिस्सों में लास्ट जो मेरा लेक्चर था वो डेलिस में था अमेरिका में उसमें से एक हजार गोरा था मैं अकेला पाकिस्तानी था यानी इतना nice. इतनी पॉपुलर चीज है ये सारी दुनिया में क्योंकि तो दुनिया इस बात पे चल रही है कि ना एंटीबायोटिक दो ना जी, जी, दो जिससे कोई ट्रीटमेंट बता रहा था इसमें भी हम ओजोन लगाते हैं